बीजेपी में घर वापसी करेंगे शिवसेना के कई नगर सेवक। भाजपा जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने किया दावा, बढ़ सकती है महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें। बीजेपी के नवीनबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत के एक दावे ने शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की नींद उड़ा दी है। बेलापुर वार्ड 103 की नगर सेविका सुरेखा नरबागे के शिवसेना छोड़ बीजेपी में शामिल होने के दौरान जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने दावा किया कि शिवसेना में जा चुके बीजेपी के कई नगर सेवक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, इसलिए वे घर वापसी के लिए व्याकुल हैं। जाहिर है वो नगर सेवक हैं जिन्हें महाविकास आघाड़ी के कारण टिकट मिलने की संभावना कम है। रामचंद्र घरत ने विधायक गणेश नाइक से ऐसे नगर सेवकों को पार्टी में वापस लेने की भी अपील की। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। या सगळ्या क्षेत्रामध्ये वापरताना मी बघतोय, मी पाहतोय की अशा प्रकारचे काही नगरसेवक जे गेलेत त्यांना देखील पश्चाताप झालेले असं मला ठणकावून तिथे सांगावं असं वाटेल, कारण बऱ्याच लोकांचे मला देखील फोन येतात आणि अशा प्रकारे ते आता तिथे जाऊन गुरफटले आणि गुरफटलेल्या स्थितीमध्ये दादा काही नगरसेवक पुन्हा येण्याच्या तयारीत आहेत असं मला वाटतंय। येणाऱ्या काळामध्ये ते देखील तुमच्या समोर येण्याचा प्रयत्न करतील आणि दादा तुम्ही एक आदर भावनेतून एक सिनियर पर्सन म्हणून त्यांना माफ करायला आणि पुन्हा घ्याल असा विश्वास प्रकट करतो आणि इथेच थांबतो। जय हिंद। ध्यान देने वाली बात है कि जब गणेश नाइक राष्ट्रवादी को छोड़कर बीजेपी में गए थे तब उनके साथ 55 नगर सेवक थे, लेकिन उनमें से 8 नगर सेवक अब शिवसेना के हो चुके हैं। इसके बाद भी शिवसेना गणेश नाइक के समर्थकों को फोड़ने में जुटी है, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी भी शिवसेना के कई नगर सेवकों को फोड़ने की जुगत में लगी है। माना जा रहा है कि उन्हें महाआघाड़ी अपेक्षित सम्मान और टिकट से वंचित रख रही है, इसलिए वे वहां रहना नहीं चाहते। अगर ऐसा होता है तो मनपा में भगवा लहराने का सपना देख रही शिवसेना के लिए जोर का झटका साबित होगा। शायद इसीलिए बीजेपी नेता गणेश नाइक बार बार यह दावा कर रहे हैं कि चाहे जितने भी लोग आए या जाएं, बीजेपी को बहुमत भर के लिए जरूरी सीटों पर जीत मिलकर रहेगी और बीजेपी का ही महापौर बनेगा। कहते बोलते भगवान हमको पूरी जिंदगी सुख के साथ रखो। अभी राज सवाल रामचंद्र घरत जी को कई लोगों ने फोन करके बोला कि कई लोगों को पश्चाताप हो रहा है और जगह पे जाने के बाद में वो घर वापसी करना चाहते हैं, ऐसा उनको मैसेज मिला। तो अभी बात ऐसी कि महाराष्ट्र के भाजपा के नेतृत्व ने नई मुंबई के लिए मुझे और मंदाताई म्हात्रे को ये जिम्मेदारी दी है इन्हें इलेक्शन के बारे में। अभी जिला अध्यक्ष और हमारी सब कोर कमेटी यहाँ पे बैठी हुई है। यदि रामचंद्र घरत से कोई संपर्क करे, रामचंद्र घरत मेरे से बात करेगा, उसमें अभी इन बिटवीन हम लोगों ने और कोई कार्यकर्ता तैयार किया होगा, वो कार्यकर्ता पे अन्याय करके हम लोग किसी को नहीं ले लेंगे। लेकिन तो 97 में भी मुझे छोड़ के कई लोग गए थे, आप लोग उसके गवाह हैं। 2000 में कई लोग गए, 2005 में गए, 2010 में गए, 15 में गए, 20 में गए, 21 में गए, कोई फर्क पड़ा नहीं और अभी भी आगे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग हमारा डैमेज हमको हुआ ही नहीं, ऐसा मैं बोलता हूँ। जो देखिए जो हुआ वो ठीक हुआ, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और जो भी होगा वो ठीक ही होगा। तो डैमेज कंट्रोल का सवाल ही नहीं। वी आर वेरी मच स्ट्रेंथ हैविंग स्ट्रेंथ टू गेट रिजल्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।